हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 और प्राइम को कंपेयर करने को लेकर के है। तो एक हमारे व्यूअर है जिन्होंने मुझसे पूछा है, सर आप के में डेबिट क्रेडिट शो कर रहा है, हालांकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो दोनों में एक बार कंपैरिजन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, टैली ईआरपी 9 को ओपन किया है मैंने, यहाँ पर कोई कंपनी बनी नहीं हुई है, तो कंपनी बनाने के लिए हम क्रिएट कंपनी पे जाते हैं और यहाँ से देखिए सी हाईलाइट है, तो यहाँ से आप सी प्रेस कर सकते हैं। टैली ईआरपी 9 है और इसका 5.0 वर्जन है ये, ठीक है। तो इसमें जीएसटी तो नहीं लगेगा, जीएसटी 6 या उससे ऊपर के वर्जन में जीएसटी लगता है, तो फिलहाल इसमें तो जीएसटी लगने नहीं वाला है, लेकिन हम सिंगल एंट्री और डबल एंट्री को इसमें समझ सकते हैं। तो यहां पर एक कंपनी बना लेता हूं मैं, इंडियन कंपनी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने कंपनी का नाम, तो ये हो गया कंपनी का नाम। और यहां पर स्टेट और कंट्री, तो यहां पर कंट्री सेलेक्ट करना बड़ा ही कंपलसरी है। तो देख सकते हैं यूके में भी टैली यूज होती है, और यहाँ आई जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो इंडिया आ जाएगा। अब ये इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे स्टेट कंपलसरी है सेलेक्ट करना, तो स्टेट जरूर सेलेक्ट करें आप, तो ये स्टेट सेलेक्ट कर लिया, बाकी पिन कोड वगैरह आप सेलेक्ट करते रहिएगा। और यहाँ पर बुक्स बिगनिंग फ्रॉम और ये सारी चीजें तो आपको समझ में आई गई होंगी, इतना ज्यादा हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारी कंपनी बन गई, लेकिन अभी कोई वाउचर एंट्री नहीं पास हुई है, तो हम बाउचर एंट्री पास करेंगे। तो बाउचर एंट्री पास करने के लिए सीधा चलते हैं कहां, बाउचर में, तो बाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करेंगे। तो अभी अगर आपका भी सिनेरियो कुछ ऐसा आ रहा हो तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आप भी सही कर पाएंगे इस चीज को। इसे हम सिंगल एंट्री मोड कहते हैं। यहां से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगी पेमेंट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन की। अब यहां पे देखिएगा सेकंड ऑप्शन, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा, तो ये यस है, तो इसको आप नो कर दीजिए, बस डबल क्लिक करिएगा तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ 2/5, तो यहां पे इसको यस कर दीजिए, हमें डेबिट क्रेडिट का ही यूज करना है, तो बस डेबिट क्रेडिट आ जाएगा और आप एंट्री पास कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टैली प्राइम की। तो ये टैली प्राइम ओपन किया है मैंने, ठीक है। अब टैली प्राइम में क्या है कि अगर आपको सिंगल एंट्री या डबल एंट्री मोड एक्टिवेट करना है, तो देखिए बाउचर में गया मैं, तो यहां बाउचर में जाते ही हम आ चुके हैं पेमेंट बाउचर में। अब यहां पे डीआर दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको सिंगल एंट्री मोड में जाना है या डबल एंट्री मोड को एक्टिवेट करना है, तो यहां आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है चेंज मोड का। अब ये दो ठो नीचे लाइन बना हुआ है, देखिए दो लाइन बना हुआ है, इसका मतलब है कि इसी बटन को आप कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, तो ये कंट्रोल एच प्रेस किया, जैसे सिंगल एंट्री मोड में जाएंगे आप देखेंगे कि उसी स्टेज में आ गए हैं जैसा कि आपको टैली ईआरपी 9 5.0 में दिख रहा था, ठीक है। और ये टैली प्राइम है, तो यहां पर भी आपको कुछ इसी तरीके का सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फिर डबल एंट्री मोड में जाना हो तो फिर यहां से कंट्रोल एच प्रेस कीजिए और यहां से डबल एंट्री मोड में चले जाएंगे, तो आपको डेबिट क्रेडिट ऑप्शन दिखाई पड़ने लगेगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी।